हे गाइज वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई आज अपना है डे 6, मतलब जो 75 का हार्ड चैलेंज है उसमें आज डे 6 है अपना। वैसे आपको पता है कि दो एक्सरसाइज आपको करने थे, सुबह 45 शाम को 45, उस दो में से एक बाहर होना चाहिए, मैंडेटरी है। बट मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग का भी जो एक्सरसाइज है अपन बाहर ही कर लेते हैं, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा है, ट्रैक भी पूरा खाली है, आप दौड़ो एक्सरसाइज करो जो मर्जी वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज भाई यही कर लेते हैं, सुबह का भी एक्सरसाइज बाहर ही कर लेते हैं, वैसे भी एक तो करना ही करना है, फिर शाम को भी मुझे बाहर ही आना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज तो अब दौड़ घर पे दौड़ तो नहीं सकते ना। तो इस हिसाब से मैं सोच रहा था कि यार आज दोनों का दोनों बाहर ही हो जाएगा। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 75 पूरा हो जाए, बट आज डे 6 में मेरी हालत ख़राब है। वैसे 6 दिन के बाद मुझे अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिखने लगा है अपने बॉडी के अंदर कि हाँ, मतलब इतना दिन से मेरे को पता था यार टाइम पास ही हो रहा है, बट आफ्टर 6 डेज मतलब थोड़ा सा मुझे अपने पेट का चर्बी में थोड़ा फ़र्क दिखने लगा है कि पेट हल्का हो गया, लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो काम कर रहा है। क्योंकि डाइट तो मैं 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया बाहर का, और ऊपर से घर में भी जो खा रहा हूँ वो अच्छा खाना खा रहा हूँ, मतलब डाइट कॉन्शियस, मतलब दलिया दाल ऐसी चीज़ें जो बॉडी के लिए सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करती है, नुकसान नहीं करती। ओके शुरू तुम प्रोग्रेस तो कर लो। ओके हेलो कर दो भैया, पहली बारी आज ये कुछ कर रहा है। एक से दरभंगा चलेंगे, एक से बेतिया, एक से रांची और एक से भागलपुर। वाह 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 वाह, अच्छी लगे। ओ दम है तो टेबल घसकर दिखाओ मेरे सही। इसमें क्या है, टेबल घसकाने में क्या है, इसमें दम का थोड़ी दिक्कत है। तो एक टन की औरत को घसका दिया, इसमें दम थोड़ी चाहिए घसकाने के लिए, दिमाग बढ़िया चल रहा है। पता है 75 चैलेंज पूरा करना इतना मुश्किल क्यों है, क्यों 99% लोग फेल होते हैं? तो सबसे पहला सिनेरियो जो है ना वो है कि आपको एक भी चीज मिस नहीं करना है 75 डेज में, मतलब आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपको करना ही करना है किसी भी सिचुएशन में। अब बहुत लोगों का ना सिचुएशन हमेशा एक सा नहीं होता, फॉर एग्जांपल कि कभी आपको पार्टी में जाना पड़ गया, कभी आपको ऑफिस से लेट आना पड़ गया, कभी आपको ज़्यादा ऑफिस करना पड़ गया, कभी आप किसी चीज़ में चले गए, कभी आप अपने रिलेटिव के यहाँ चले गए, कोई ना कोई एक सिनेरियो आता है, कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत मल्टीपल फैक्टर होते हैं। इस वजह से 75 डे चैलेंज लोग पूरा नहीं कर पाते। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि मान लो आपका एक भी चीज़ छुटाना, तो आपको वो फिर डे 1 वहाँ से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, आज मेरा डे 6 है, तो आज जाके मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि हाँ तुमने 6 दिन से कुछ नहीं खाया है बाहर का, तुम ऊपर से एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट तुम्हें आज दिखा उनको कि हाँ आज कुछ तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो देखो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, इम्प्रूवमेंट तो आपको दिखेगा दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप जंक फूड खाना छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, तो इम्प्रूवमेंट तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। आप कम्प्लीटली घर के खाने पर डिपेंडेंट हो, नो चीट मील, समझ रहे हो बात, तो इम्प्रूवमेंट तो होगा होगा, लेकिन ये 75 डेज का प्रॉपर एक साथ पूरा करना ये इसलिए मुश्किल है। एंड अब समझ में आ रहा है क्यों 99% लोग फेल कर जाते हैं एंड सिर्फ 1% ही सक्सेस करते हैं। जैसे मेरे मुझे भी लग रहा है कि 3-4 दिन के बाद मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाएगा कि जहां मुझे कहीं जाना पड़ेगा एक दिन के लिए। वैसे मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं कि मैं वहां ना जाऊं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मान लो अगर काम तो नहीं छोड़ सकते ना, आप काम थोड़ी छोड़ सकते हो, मतलब इन चीज़ों के पीछे अगर आप वर्किंग हो तो आप नहीं छोड़ सकते, तो लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस चीज़ को कैसे भी स्किप कर लिया जाए, क्योंकि 75 डेज तो कम से कम चैलेंज पूरा करना ही है। लेकिन मान लो अगर नहीं कर पाया तो मैं दो टाइम वर्कआउट कहाँ कर पाऊँगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही वर्कआउट है, क्योंकि सेल्फी लेना, पानी पीना एंड बुक पढ़ना फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये वर्कआउट दो टाइम करने वाला बहुत मुश्किल है। ग्लास पानी वाला, हम पी लिए पानी, नहीं पानी भर के।